वेलकम बैक फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियाज फर्स्ट टोयोटा इनोवा क्रिस्टा द जीटी लाइन एडिशन। आज इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से एंट्री शॉट्स में आप लोग ने देखा है टॉप एंड मॉडल जेड मॉडल होने के बावजूद जो मॉडिफिकेशंस इसके अंदर हमने किए हुए हैं। दिस इज द इंडियाज फर्स्ट टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जिसके अंदर हमने जीटी लाइन डिफ्यूजर लॉन्च किया हुआ है। इसका लुक आप लोग देख सकते हैं कि जो क्रिस्टा फेसलिफ्ट है 2021 का जो मॉडल है उसमें कंपनी ने जो ग्रिल में चेंजेस किए हैं, जो बम्पर में चेंजेस किए हैं, द न्यू लॉन्च जीटी लाइन स्पोर्ट्स डिफ्यूज़र फॉर द टोयोटा इनोवा क्रिस्टा इन द मैट ब्लैक सिल्वर विद द क्रोम प्लेटिंग्स के साथ किस तरीके से इस बम्पर का एक लुक है कार के ऊपर हम लोग देख सकते हैं। 10 चीज़ें 10 आइटम्स इन द एक्सटीरियर लुक हमने लगाई हुई है जो टॉप एंड मॉडल होने के बावजूद भी एक गाड़ी के लुक को चेंज कर देती है। फर्स्ट इज द डिफ्यूज़र जो उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। सेकेंड ऑल टाइम फेवरेट, चाहे ओल्ड क्रिस्टा हो चाहे न्यू क्रिस्टा हो, फिट ब्रांड की मेड इन थाईलैंड की पियानो ब्लैक DRL हमने लगाई हुई है। दिन के टाइम पे इस DRL का गेटअप हम लोग देख सकते हैं, नाइट को तो एक अलग ही मज़ा है, बट डे टाइम में जिस तरीके से टॉप एंड मॉडल में पियानो ब्लैक ग्रिल आती है, द पियानो ब्लैक थीम हैज बीन कंटिन्यूड ऑन बोथ द हेडलैम्प DRL हैज बीन फिटेड इन द कार। एक डिफ्यूज़र, सेकेंड हमारी DRL, दो ही चीज़ें हमने लगाई हुई है आगे के लुक में, बट किस तरीके से गाड़ी का लुक चेंज हो जाता है आप लोग के सामने। थर्ड इज द फुल क्रोमियम के ये डोर वाइजर्स आते हैं जो स्टार्ट टू एंड एक नीचे के टिप से चालू होते हुए लास्ट तक ये जो जा रहे हैं, बाकी शोरूम से टोयोटा से भी अगर हम लगाते हैं तो चार ही उसमें पीसेस आते हैं, ये पार्ट उसमें नहीं आता है। ये मेड इन कोरिया के आते हैं जो फुल क्रोम के आते हैं, मेरे ऑलमोस्ट हर क्रिस्टा के वीडियो में आप लोग ने नोटिस किया हुआ है। थर्ड इज द डोर वाइजर। फोर्थ इज द जीटी लाइन साइड स्टेप्स जो इसके अंदर हमने लॉन्च की हुई है। रेगुलर हम क्रिस्टा में वही ब्लैक सिल्वर मेटल एल्यूमिनियम की देखते हैं जो हमारी साइड स्टेप्स आती है, बट दिस इज द ब्लैक विद द वाइट जो गाड़ी का कलर है उसकी हाईलाइटिंग विद द सिल्वर एंड विद द रेड की थोड़ी सी ग्राफिक्स इसके अंदर आती है। डिजाइनर स्टेप्स आती है, इनकी फिटमेंट्स देख सकते हैं किस तरीके से है। तो फोर्थ हो गई हमारी साइड स्टेप्स। फिफ्थ, ये क्रोमियम वर्क ऑलरेडी कंपनी से आता है, हमारी साइड क्लैडिंग्स है जिसमें ब्लैक एंड सिल्वर में क्रिस्टा एम्बोज उसके अंदर आता है। द बेस्ट पार्ट, द मोस्ट मस्क्यूलर पार्ट, द मोस्ट एग्रेसिव पार्ट इन द कार इज द गैलेक्सी टेल लाइट बट इन द स्मोक कलर, द ब्लैक कलर। एक पीछे से जब टेल लाइट ऑफ है, बंद है, इस प्रोफाइल को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त एंड मस्क्यूलर लुक एक आ रहा है गाड़ी के अंदर। एंड जैसे ही ये ऑन होती है, तीन डिफरेंट मोड्स के साथ है। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन जो उसके अंदर हम लोग देखेंगे। तो जब ये स्टार्ट होती है तो ये जो पैटर्न इसके अंदर बनता है, जस्ट सी द डिफरेंट वेव्स जो उसके अंदर लाइट देन डार्केस्ट मोड पे आती है। जब ऑन होती है तो एक वेलकम देती है एंड थोड़े पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये कांस्टेंट हो जाती है। गैलेक्सी टेल लाइट, कंपनी की जो हमारी टेल लाइट आती है उसको रिप्लेस करके ये वाली टेल लाइट उसके अंदर लगती है। सॉकेट टू सॉकेट फिटमेंट है, स्पेशली डिजाइन फॉर द टोयोटा इनोवा क्रिस्टा है, इसका गेटअप हम लोग देख सकते हैं। तो सिक्स हमारी टेल लाइट है। सेवेंथ हमारा जीटी लाइन का ही डिफ्यूज़र है। डिफ्यूज़र्स आप लोग ने बहुत देखे होंगे, बुल गार्ड्स आप लोग ने देखे होंगे, बट दिस इज़ द फर्स्ट डिफ्यूज़र विद द ब्लैक एंड द सिल्वर एंड द रेक्टेंगुलर एग्जॉस्ट, वर्चुअल डमी एग्जॉस्ट के साथ ये आते हैं। ज़बरदस्त एक पीछे से एक स्पोर्ट्स कार का लुक देते हैं। रेगुलर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा ही है हमारी। एट हमने ये क्रोमिंग का वर्क किया हुआ है यू पे। नाइन्थ हमने क्रोमिंग का वर्क किया हुआ है ये फुट बोर्ड्स पे। एंड टेंथ इज द अमर मिरर, जो मिरर हमारे क्रोम आते हैं टॉप मॉडल में, जेड मॉडल पे क्रोम मिरर्स आते हैं। उन मिरर के ऊपर ये LED कवर्स जो हमर डिज़ाइन जिसको बोलते हैं वो हमने लगाए हुए हैं। इनकी खास बात क्या है कि ये वाइट है एंड व्हेन यू ऑन द टर्न लाइन ये इसके इंडिकेटर्स देख सकते हैं कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से आते हैं।
टॉप मॉडल में भी जो इंडिकेटर है वो फ्लैशिंग ही है, फ्लैश ही होता है। ये मैट्रिक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ब्लॉक्स के साथ ये आते हैं, जबरदस्त इसका लुक है, हम लोग देख सकते हैं। कमिंग टू द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द कार, अंदर की तरफ अगर हम बात करें तो दो ही चीज़ें ये गाड़ी के अंदर हमने लगाई हैं। फ्लोर मैट ये गाड़ी की कंपनी लगा के देती थी, टॉप गियर ब्रांड की फ्लोर मैट्स है जो ब्लैक विद द सीट कवर कलर बॉर्डर विथ हनीकॉम्ब्स के साथ आती है। पाँव इसके ऊपर रखा, कचरा वगैरह जो भी जमा होता है, दिस थिंग इज रिमूवेबल एंड ईजी टू क्लीन। एक एम्बियंस लाइट हमने सेटअप की है, इसका गेटअप हम लोग आगे चल के नाइट मोड में देखेंगे, जो स्कफ प्लेट्स हैं, शेडो लाइट्स हैं एंड जो हेडलाइट्स में बल्ब भी हमने अपग्रेड किया हुए हैं। सो फाइनल ओवर रिव्यू ऑफ द टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जेड मॉडल विद द अपग्रेड जो उसके अंदर है। हेडलाइट के बल्ब भी आप लोग देख सकते हैं, वाइट लाइट भी है, इसको बंद करके चालू करोगे येलो लाइट भी है। एक किस तरीके से वॉक अराउंड है गाड़ी का, हमर मिरर के साथ, जो साइड में रेंज रोवर टाइप वेंट्स भी हमने लगाए हुए हैं, गेटअप आप लोग के सामने है कि किस तरीके से है। सो लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू। कमिंग टू द ऑडियो अपग्रेड ऑफ द कार, स्पेशली जो GT एडिशन में स्पीकर्स भी हम लॉन्च कर रहे हैं, तो कुछ स्पेशल हम लोग ज़रूर आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं। ये टॉप एंड मॉडल गाड़ी है, फोकेल के टोयोटा स्पेसिफिक स्पीकर्स इसके अंदर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जो प्लग एंड प्ले टोयोटा की इंटीग्रेशन स्पीकर्स आती हैं। ये आप लोग पढ़ सकते हैं कि ये स्पीकर्स आर डिज़ाइंड फॉर द टोयोटा कार्स, चाहे वो फॉर्चुनर हो, चाहे इनोवा क्रिस्टा हो, ओल्ड इनोवा हो, ऑरिस हो, कोरोला हो या यारिस हो, दीज स्पीकर्स आर डिज़ाइंड फॉर द टोयोटा कार्स। किस तरीके से पुराने स्पीकर्स निकलेंगे एंड उनकी जगह पे जाके ही ये स्पीकर्स बैठ जाते हैं, इसके जो माउंटिंग ब्रैकेट्स हैं, ज़रूर मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि ये बिफोर स्पीकर्स थे जो शोरूम से लग के आते हैं। ये जेड मॉडल गाड़ी है, चाहे जी हो, चाहे वी हो, चाहे जेड हो, प्लेयर में फ़र्क है बट स्पीकर्स सब मॉडल में एक ही लग के आते हैं, मैग्नेट छोटे आते हैं। 25 वॉट का एक स्पीकर कंपनी लगा के देती है, काफ़ी बेसिक पेपर कॉइल स्पीकर आते हैं। इनको रिप्लेस करके जो टोयोटा स्पेसिफिक फोकल स्पीकर्स, ये बिफोर एंड आफ्टर आप लोग डिफरेंस भी देख सकते हैं क्या कि कितनी ज़बरदस्त, ये जो आप लोग साइड में माउंटिंग ब्रैकेट्स 1, 2 एंड 3 देख सकते हैं, इसी तरीके से वो 1, 2, 1, 2 एंड 3 जो ये ब्रैकेट्स आते हैं, प्लस इसके जो सॉकेट्स जिसपे ये माउंट होते हैं, ये पुराने सॉकेट्स थे एंड नवे स्पीकर्स में ही वो कपलर्स आते हैं। मतलब दरवाज़ा खोलना है, जूने स्पीकर को निकालना है और उधर एक वायर दी हुई है, उसी वायर को नए स्पीकर पे हमको ये करना है, ना कोई एक्स्ट्रा होल मारना है, ना कोई एक्स्ट्रा वायरिंग करनी है। इट्स द प्लग एंड प्ले जो फोकल के स्पीकर्स इसके अंदर हमने लगाए हुए हैं। डैम्पिंग चारों दरवाजे में की हुई है, इन स्पीकर्स के मैग्नेट में डिफरेंस देख सकते हैं कि जो पुराने स्पीकर्स थे उनके छोटे मैग्नेट आते थे, काफ़ी लाइट वेटेड आते थे, बट फोकेल के ये जो स्पीकर्स हैं इसमें पीछे भी TOY टोयोटा की गाड़ी में ही लगेंगे, ना ये मारुति में लगेंगे, ना ये ह्यूंडई में लगेंगे, बट इट इज़ डिज़ाइन फॉर द टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। किस तरीके से एक इन स्पीकर्स की पैकिंग आती है एंड इसकी जो RMS भी है, 120 वॉट्स के स्पीकर्स आते हैं जेन्यून एंड 60 वॉट्स RMS के साथ आते हैं, मतलब कंपनी के जो लगे हुए हैं 3 times मोर पावरफुल है। द प्लग एंड पे प्ले IC165 TOY फोकेल के इंटीग्रेशन सीरीज इसको हम लोग बोलते हैं। सो ये हमने फिट किए हैं, ये गाड़ी के अंदर डैम्पिंग हमने की हुई है, किस तरीके से उसका लुक है देख सकते हैं। जस्ट सी द नाइट व्यू ऑफ द टेल लाइट, ये ऑफ है, जब ऑन होती है इसका इंट्रोडक्शन आप लोग देख सकते हैं कि मोड नंबर 1, मोड नंबर 2 ये डार्क होती है एंड मोड नंबर 3 और डार्क होती है। फाइनली इट इज द रिवर्स बैक एंड फाइनली ये कॉन्स्टेंट मोड पे आती है। रिवर्स आप जब डालेंगे तो ये वाइट LED उस पर आती है। ब्रेक पे ये डार्क है, ब्रेक छोड़ना, ये आप लोग देख सकते हैं कि ब्रेक पे सेंटर का पार्ट इल्यूमिनेट हो रहा है। राइट इंडिकेटर, इस तरीके से एक एक मोड का, क्योंकि कंपनी की टेल लाइट में कुछ भी नहीं आता, हेलोजन वो बेसिक बल्ब आते हैं। लेफ्ट इंडिकेटर एंड द पार्किंग,
किस तरीके से ये टेल लाइट आज इनोवा क्रिस्टा के लिए बनती है, बाकी नॉर्मल गाड़ियों के लिए बनती भी नहीं है, बट टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के लिए बन, फिर से इतना ब्यूटीफुल लुक है, ऑफ एंड ऑन आप लोग देख सकते हैं, एंड स्पेशली ब्लैक कलर की लगाने से, स्मोक कलर की लगाने से जो इसका गेटअप है टोटली आउट ऑफ द ब्लॉक क्लास के अंदर है। रिफ्लेक्टर की लाइट्स हमने लगाई हुई है, जो नीचे की तरफ भी एरोज आप लोग देख सकते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग एक अलग लेवल पे ये गाड़ी को हमने सिंपल तरीके से हर चीज़ प्लग एंड प्ले है। टेल लाइट निकलती है लगती है, रिफ्लेक्टर निकलते हैं जूने वाले लगते हैं, स्पीकर्स भी निकलते हैं लगते हैं, DRL हमने एड ऑन की हुई है जो ओरिजिनल हेडलाइट के ऊपर भी ऐड ये होती है, एंड हेडलाइट में जो बल्ब भी आते हैं, टॉप एंड मॉडल में प्रोजेक्टर्स तो वाइट है ही, बट जो हाई बीम के बल्ब हैं वो कंपनी ने रेगुलर किए हुए हैं, उनको भी रिप्लेस करके 3000 केल्विन येलो लाइट ऑन द रोड, इसका फोकस हम लोग देख सकते हैं, एंड टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन व्हाइट लाइट, टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन येलो लाइट। जब आप फॉग में ट्रैवल कर रहे हैं तो येलो लाइट भी दी हुई है, व्हेन इन सिटी व्हाइट लाइट भी दी हुई है। पुरानी टोयोटा इनोवा के लिए लेजर फॉग लैंप्स भी लॉन्च हो चुकी है, आने वाले वीडियोज में हम लोग देखेंगे। सो फाइनल ओवर रिव्यू ऑफ द नाइट व्यू, सो शिव कुमार जी भी है हमारे साथ, ओनर ऑफ द कार, जो ये टोयोटा इनोवा क्रिस्टा टॉप एंड मॉडल सर ने ली थी, बट अब जाके ये टॉप मॉडल लग रही है, सर इंडियाज फर्स्ट क्रिस्टा जो GT लाइन थीम से हमने तैयार की हुई है। टॉप मॉडल होने के बावजूद हर वो चीज़ जो अच्छे से अच्छी लग सकती है सर ने हमको बोला था कि लगाइए, कोई बात नहीं। और विशाल जी भी है साथ में, वेलकम करते हैं सर आपका शॉप पे, एंड विशाल जी आपका भी, किस तरीके से अंकल गाड़ी लग रही है एंड देखने वालों के लिए दो लाइन क्या बोलेंगे, जिनकी टोयोटा इनोवा गाड़ी है कैसा काम हुआ है गाड़ी का? गाड़ी बहुत ही डिफरेंट लग रही है, जो गाड़ी मैंने ओरिजिनल खरीदी थी उससे बहुत ही अच्छी लग रही है, और ये हमने पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि हम नई गाड़ी लेके सीधे तुरंत इनके पास जाएंगे और वहाँ हम अपनी गाड़ी में नई एसेसरीज लगवाएंगे, और वो लगाने के बाद इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है कि मैं आपको क्या कहूँ। बम्पर का किस तरीके से लुक है, और बम्पर हो, हेडलाइट हो, स्पीकर्स हो, टेल लाइट हो, ये जितनी भी चीज़ें इन्होंने लगाई है वो सब माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया फर्स्ट क्लास। ओके शिव कुमार जी, थैंक यू करेंगे आपको, एंड विशाल जी कैसी लग रही है गाड़ी, क्या बोलेंगे देखने वालों के लिए? सर फैंटास्टिक सर। ओके एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, थैंक यू करेंगे आपको। कोटेशन लेके गए थे मेरे से स्पेशली एक दिन आके, गाड़ी आई भी नहीं थी कि जेड मॉडल भी ली है, बट रोहित भाई वीडियोज देखे हैं, टॉप मॉडल को आप क्या कर सकते हैं, एक चैलेंजिंग था हमारे लिए भी, ऑलरेडी लोडेड गाड़ी थी, प्योर लेदर सीट कवर, फिर भी कुछ उसको एनहांसमेंट हमने की हुई। ओके अंकल थैंक यू करेंगे आपको। सो लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, कमेंट करिए चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ड्राइव सेफली एंड थैंक यू।